दिल्ली देश की राजधानी है, और जब भी कोई दिल्ली का नाम लेता है या फिर ये कहता है कि वो दिल्ली में रह रहा है, तो लोगों के दिमाग में एक अच्छी, एक साफ़ सुथरी और एक ऐसी छवि बन जाती है जिसको वो काफ़ी अच्छी तरीके से जानते हैं, पहचानते हैं और वो उसको जीना चाहते हैं। लेकिन असल दिल्ली क्या है, क्या आपको पता है? आप इस वीडियो में देख सकते हैं, ये है असल दिल्ली। असल दिल्ली हम ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लोग कहते हैं कि दिल्ली साफ़ है, सही है, वहाँ पे पानी नहीं भरता, वो देश की राजधानी है, देश की कैपिटल है, वहाँ से अच्छा, वहाँ से साफ़ सुथरा कोई भी स्टेट नहीं हो सकता, कोई भी राज्य नहीं हो सकता। लेकिन दिल्ली से भी साफ साफ राज्य अब हमें देखने को मिल रहे हैं, दिल्ली से भी ज़्यादा सुविधा वाले राज्य अब हमारे सामने आ रहे हैं। लेकिन दिल्ली के राजीव नगर वार्ड नंबर 33 में MLA निगम पार्षद कुछ भी देख रहे हैं, उसी से गुजर रही है लगातार MP MLA निगम पार्षद जा रही है, तीनों से पूछ रही है, तीनों से बोल रही है कि आप करवाएं, यहाँ से पानी निकलवाएं, आप कुछ तो करवाएं। लेकिन वो इतनी अच्छी तरीके से अनदेखा कर देते हैं, इतनी अच्छी तरीके से अनसुना कर देते हैं कि ऐसा लगता है कि शायद हमने उनसे कुछ कहा ही नहीं, हम उनके पास कभी गए ही नहीं। लेकिन वार्ड नंबर 33 राजीव नगर बवाना क्षेत्र के पूर्व MLA सुरेंद्र सिंह इस एरिया में आए, उन्होंने इस एरिया को अच्छी तरीके से देखा, लोगों को आश्वासन दिया कि वो यहाँ से इस पानी को निकालने की पूरी कोशिश करेंगे, जो भी करना पड़े वो सब करेंगे। देखिए किस तरीके से सुरेंद्र सिंह, जो पूर्व MLA थे इस एरिया के वार्ड नंबर 33 के, उन्होंने सभी को आश्वासन दिया, सभी से बात की, और किस तरीके से जो लोग गुस्से में थे, जिन लोगों के अंदर इस समय के MLA निगम पार्षद के लिए गुस्सा था, उनके ऊपर भी उन्होंने किस तरीके से जवाब दिया, उनके ऊपर किस तरीके से रिएक्शन दिया, किस तरीके से उन्हें समझाया। पकड़ने अब वो लोग मरने लग रहे हैं। देख फिर तुम 4 महीने बाद अपनी कराओगे पहन पहन कर टोपी और फिर आएंगे तो हमारे को वोट दे दो। आज आज अभी कोरोना ने तुम मार दिए। अब सुनो, अब कोरोना ने तुम मार दिए, वायरल फैल गया, घर घर बुखार हो रहा बच्चों को, कोई इतने पानी में कभी हमारा साथी और तुम्हारा कोई बच्चा अगर घर से चला जाए तो क्या हाल होगा? मैं इसलिए नहीं करा, मैं इसलिए नहीं करा कि मैं कांग्रेसी हूँ, मैं भी 15 साल विधायक रहा हूँ। ऐसे लीडर जो तुम्हारा हाल नहीं पूछते थे, सारा झूठे मारो उनको बुला बुला करके। हम भी सुबह से, सुनो, सुबह कहाँ से लगा था, सुबह कहाँ से लगा था, काली समुंदर से अरे धर्मेंद्र ने अरे बेटे वो तो वहाँ पे है, बोलो जी बोलो, मार जूत जो यहाँ बढ़ा के भेजा आपने, उसको मारो, उसका जूत मारो, थोड़ा आराम से बात करो, गुस्सा करने का कोई उसके अपने बंदे ना वहाँ देखने भी आ रहे हैं, वहाँ पाइप भी लगा रहे हैं, वहाँ डीजल भी दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। अच्छा सुनते हैं, हेलो सुनते हैं,
भैया मैं इसको भी जानती हूँ, मगर एक मिनट गुस्से गुस्सा हमने भी आता है। हम 4-5 किलोमीटर पैदल घूमते घूमते आए आपके पास, आपने तो नहीं बुलाया हमारे को, सुनो आपने तो नहीं बुलाया हमारे को, हमें ये पता चला हम कान गिर गया। सुनो सुन ले मेरी बात, मेरे को नहीं बुलाया किसी ने, और मेरी बात सुनो, मेरे मैंने अखबार में पढ़ा आज, मैंने इनको फोन करा जहाँ बेचारे को मकान गिरा उसका घर मेरे को लेकर चलो, मैं तुम्हारे आंसू पूछने तो आया हूँ, मेरे को तो 4 बार आ रहा है फिर मैं जब जानू जब कुछ हो, और ना तो ऐसे आंसू पूछने कितने आए और कितने चले गए, फिर तू नहीं करे हथेली पे सरसों उगवा ले, ये जहाँ खड़ी है मैं बना के भाई, अगर जो तेरी जगह मैं खड़ी हूँ ना तो हथेली पे सरसों उगवा दू, पर तेरी जगह नहीं है, हो गया मैं जगह नहीं है, सुनो सुनो तुम्हारे कुछ नहीं है, इधर सुना इधर है, इसी को हराए थे ना, यही सुरिंदर है ना, यही सुरिंदर है, मैं बता रहा हूँ, ये रोड बनी थी ना, ये सारी रोड बनी थी, आराम से 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 जो सरकार में है उसको देखो ना, इसके पास है क्या, इसके पास क्या है, अरे जितनी बात वहाँ बोली है जाके आप सोच रहे यही बोली, वहाँ भी बोली, ऐसा भी है, सुरेंद्र का इस टाइम कोई रोड नहीं है, हाई रोड बनाया था उसको 170 करोड़ राजू नगर ये बोलो घूमना था, हाई रोड पे चल रहे थे, हमारा सुनो मुर्गा, हमारा जो मकसद था ना वो हमने पूरा कर दिया, सबके आप पूछ रहे हैं, जो हमारे से बन पाएगा हम वो करेंगे, और एक जगह नहीं आज हम 5 मोटर अपनी खरीद के, ये बहन लड़ाई तक कर रही है, सुनो 5 आज आज मैं 5 मोटर खरीद के अलग अलग जगह जाकर के दे पाए, देखो कर रहे रक्षा में केजरीवाल यहाँ जाए ना इसके पास जैसे हेलो जैसे हेलो बहन जी जैसे जैसे तू पेश हो रही है ना ऐसे कोई आना भी बंद कर भैया जो भी आएगा क्यों बोले क्यों कर भी बोले जैसे हम बात ऐसे बोले खाओ तेरी है ये सारी तो तुम्हें रोक तू और दान बनानी है फिर हम काट दे इसमें 8 साल हो गया 8 साल पंप ले जाओ बड़े घर मेरे कहते पंप ले जाएंगे भेजेगी साफ पता चल रहा है ये तो काम करने के लिए वो तो दिखाने के लिए ये
सामने क्या है? आप सुनो मेरी बात, काम किया है वो, इन्होंने किया है और किसी ने भी किया। सुनो मेरी बात, अबे हम सुनो, मैं ये रोड बना के दिया, जो सारे नाले में बना के दिया, अभी रुको, फिर भी मैं चार बार हरा दिया। सुनो, आठ साल से अपने, सुनो अपने घर में अभी रुक के जा बोल, अपने अपने घर में मुझे देख के मुझे नहीं जाने लगा, मैं कितने किलोमीटर घूमता हूँ। हमारे से जितना बन रहा है, हम मोटर ले रहे हैं, जगह जगह मोटर अपनी खरीद में लाए हैं तुम्हारे भले के लिए, वो बहन न्यू करी मोटर। अरे अरे मेरी बात अब हम ये कह रहे हैं, अब वहाँ से DDA की कॉलोनी चेक कर पाए, फिर ये पानी को चेक कर रहे कहाँ पानी निकलेगा। हम सुबह के खाली पेट भूखे पैसे कितने घंटे से हम घूम रहे हैं है? और यहाँ पता चला कोई हादसा हो गया, हम चलो भाई उससे घर चलो, मकान गिर गया बिल्कुल। अब ये बहन न्यू कह रही है कि अपने जितने ध्यान लगाने की जरूरत नहीं, अपने वापस ले जाओ। जो बनाया था आपने उसको बुला लो भाई, तुम्हारा पड़ोसी है काउंसलर, वो आता नहीं। अच्छा सुनो, MLA आता नहीं, अरे मेरी बहन बात तो सुन ले, मैं एक चार बार आ रही हूँ, मैं घर बैठा हूँ, मैं तो वैसे आ गया भाई, मैंने उन्हें जिता दिया। पुलिस वाले होते हैं किसी की नहीं, पब्लिक से बड़ा गुंडा कोई भी नहीं है, लेकिन पब्लिक की तो होनी चाहिए, पब्लिक से बड़ा गुंडा कोई भी नहीं है। अरे मैं तो बोल रहा हूँ ना, रात आ गई, अरे वो तकलीफ होगी तो आऊँगा, बिल्कुल आऊँगा सारे। अब हम मोटर लगवा, हम तो इंजन लगा रखे हैं, सेल के बैठे ये भी मना कर रहा है, ये भी टूटा है, मैं दे दूँ बाकी, हम लगा रखे हैं इंजन बना कर दी बैठे हैं, इंजन बना दिया ना। हाँ भाई, सब आज आप चलो, बस अब तो तरीके से चलेंगे ना, आप ऊपर चलेंगे ठीक है। कुछ बोलना तो बोल, बोलना तो बोल दो, बोल दो, बोल दो, चलो बोलना तो बोल दे, हाँ हाँ बोल दो, कमाल कीमते हैं आगे, चलो गड्ढा है यहाँ पे, मैं कल गिरते गिरते बचाऊँ, चलो चलो बोलो। मोबाइल फंसा हुआ टेंशन ना लो, चलो चलो चलो, मैं इसको पकड़ूं, उनको बोल दो क्या क्या बोलना है। हम आए यहाँ, देखो हमारा फर्ज बनता है भाई, हमारे को MLA बनाया इन्होंने, हाँ सही बात है, और आगे भी बनाएंगे। अब आप देख रहे हो कहाँ से घूमते आ रहे हैं, सही बात है, हम देख रहे हैं एक कांग्रेस के वर्कर अपने घर से पैसा लगा करके मोटरें खरीद रहे हैं और जगह जगह मोटर जो है बांट रहे हैं, हाँ। भाई यहाँ लगा लो, यहाँ लगा, यहाँ जो MLA है, यहाँ जो काउंसलर है, काउंसलर इसी कॉलोनी का है, और वो काउंसलर जा रहा गोवा अपने बच्चों को लेकर के घूमने, एक बार यहाँ आ जाए ना, लोगों से पूछने यही गोवा यही गोवा बन रहा है, कितनी परेशानी में है, छोटे छोटे बच्चे हैं, ये बहने हैं, दो महीने से इतना पानी खड़ा कर रहे हैं, पानी भरा हुआ है लोगों का, अगर मैं बताऊं आपको, मैं विधायक होता ना यहाँ अगर, तो मेरे को बनाते तो मैं केजरीवाल की खाट खड़ी कर देता अब तक, और रिजाइन कर देता, सारी कॉलोनी ने खड़ा करके
अब हमारी कॉलोनी का ये हालात है, ये पकड़ा पड़ा एमएलए बड़ा फेंक करके आ जाता, किसी बारे में विधायक बोल नहीं सकते उनके सामने, लोग परेशान है, किस चीज का विधायक है वो निकल के तो आ रहा नहीं है, वो दुबक दुबक के तो बैठा है। गया। 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 एक सेकेंड एमएलए चाहिए ना जो आपके बीच में आके आपकी बात सुने, आपकी आवाज सुने, ऐसा नहीं देखे ऐसे तुम्हारे सामने चाहिए ऐसे चाहिए हमें तो ऐसा चुना। अरे मैं चार बार आ दिया तुम ना हराया हूँ और ऐसा ऐसा निगम पार्षद काम कर रहे निगम पार्षद। हेलो हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उसको बेटा उसको हराओ तो निकम्मा हो तो काम नहीं करता हूँ जो काम। एक मिनट सुनो मेरी बात, अब बीच में मत बोलना जरा भैया, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हमारे से जितना हो सके हमने उतना काम किया। हमने ये चुना के भी बड़े बड़े रोड कौन कौन से हैं, सारे के सारे रोड आपके बनाए हमने, अब बीच में मत बोलो एक मिनट ये जरा प्रेस वाले, हमने सारे रोड आपके बनाए और ये चले जाओ सारा ग्राम सभा ये सारे के सारे हमने पक्के बनाए आपके सामने रोड बनाए। आज मैंने अखबार में ये पढ़ा कि भाई वहाँ पे मकान गिर गया और वहाँ चोट लगी, मैंने अपने इन साथियों को सब कुटने घूम किया भाई मैं देखना चाहता हूँ, मैं सुबह से कितने पानी में कितने किलोमीटर घूम गया, सिर्फ यहाँ पूछने आया हूँ कि भाई कौन सा मकान है कितना नुकसान हुआ। और ये आपकी बात जो है केजरीवाल तक हमको चाहेंगे, या फोटो हमने खिंचवाए हैं या वीडियो बनाई है, अब ये सारी दिल्ली में फैलाऊंगा, उससे पूछूंगा कि भैया जब जब कांग्रेस हारी यहाँ जब क्या छोड़ कर गई थी, कितनी बढ़िया कॉलोनी थी, लोगों ने बाजार लगाने शुरू कर दिए थे, आज लोग जो है परेशान अपने घराने के लिए परेशान है। अभी चार दिन अब 4 महीने बाद फिर चुनाव है, ये फिर लोग आपके बीच में आएंगे झूठ बोल बोल करके, बोले बिजली फ्री कर दी पानी फ्री कर दिया, ये पानी फ्री है ये क्या हालात कर दिया तुम्हारे, बिजली चाहिए ना राशन चाहिए ना फ्री नहीं चाहिए हमें। पीछे आ जाओ पीछे आ जाओ, हेलो भाई इधर आ जाओ, थोड़ा सा हम जो घूम रहे हैं हम सिर्फ इसलिए घूम रहे हैं एक रास्ता देख रहे हैं कि ये सारा का सारा पानी कैसे निकलता है। अगर कोई डीडीए के और कोई सीवर मिल जाता है, डीडीए का कोई बड़ा नाला मिल जाता है, उस तरफ तो हम देख करके आए हैं, अब यहाँ भी देख रहे हैं कोई ऐसा जगह मिल जाए जिसमें बड़ी मोटर पंप लगा करके वो सारा पानी इसका बाहर निकल। अगर सरकार नहीं करेगी ना तो अगर हमने जगह मिल गई तो हम अपने पैसे से आज भी हम सुबह से 5 पंप लेके जगह जगह ताड़ते जा रहे हैं और अपनी पूरी टीम लगा रखी है जगह जगह मच्छर मलेरिया की बीमारी, हम पानी की तरफ तो जा रहे हैं किसी का ध्यान बीमारी की तरफ नहीं जा रहा है जो कोरोना से भी खतरनाक रूप लेके आएगी, हर घर बीमार पड़ेगा, उसके लिए दवाई छिड़काने का काम भी हम पूरी सुबह से कर रहे हैं, लगातार करते रहेंगे जब तक हमारे में करने की क्षमता रहेगी, हम आपके बीच में ऐसे ही आते रहेंगे और ऐसी आवाज उठाते रहेंगे। ये तो धन्यवाद करते हैं भाई साहब हमारे बीच में आज आ गए और जितने भी विधायक को बुला के दिखा दो ना, किसी ने दूध दिया तो बुला विधायक को इसके बीच में, बुला एक बार निगम पार्षद को इसके बीच में, जितना मर्जी मैं भी तेरे साथ विरोध करूंगा पर जिसने काम कर रखा उसका विरोध कर रहे हैं, जो तुम्हारे एक्स्ट्रा सत्ता में बैठ के मलाई खा रहा है वो अपने घर में आराम कर रहा है, वो आज तिरुपति घूम रहा है कल वो गोवा घूम रहा है, ऐसे घूमता रहेगा तो जनता जाग रही है। मैं एक बात जो आदमी काम करता है ना उसका विरोध होता है और पब्लिक भी हमेशा उसी को कहती है जो इसने काम करा हो, जो निकम्मा आदमी होगा उसके सामने कोई नहीं बोलेगा, ठीक है। और मैं ये कह रहा हूँ मेरे को
मेरे को एक बहन ने कही ना कोई बात, मैं उसको बिल्कुल बुरा नहीं मानता। सुनो पति, मैं अपने मन की बता रहा हूँ। सुनो, मैं पॉलिटिशियन हूँ, 15 साल लगातार एमएलए रहा, बड़ी बड़ी पोस्टों पर रहा हूँ। मैं एक भाई ने बहन ने चुप करिए, मैं सिर्फ एक बात कर रहा हूँ भाई, मैं चुनाव हार रहा हूँ 7-8 साल, एक बार नहीं, मेरे को आपने 4 बार शांति का दान दे। चुप देखो, मैं एक बात कर रहा हूँ, मेरे को कोई बात नहीं, हार जीत लगी रहती है। मैं सिर्फ आपको इसलिए आया था कि मैंने अखबार पढ़ा, अखबार पढ़ करके देखा इनको, सबको फोन करा कि यार कोई हादसा हो गया, बताया हमारी कॉलोनी में, अभी चलेंगे। ये बोले जी पहले यहाँ से शुरू करो। अब मैं तो शाम को पता चलेगा तू कितना घूम लिया। मैं कितने किलोमीटर पैदल घूमा हूँ, कितने किलोमीटर बता रहा हूँ। वो सारा वहां से लगा था, फिर उस रोड पे आकर के और पैदल आता आता आपके यहाँ आया। भाई मैंने कौन सा गुनाह कर दिया? मैं आपके लिए और अभी ये कह रहे थे ना जो काम करेगा। अब मैं यहाँ पता क्या करके गया हूँ? मैंने सारे तो पानी की वीडियो बनवाई आपकी, सारी वहां खड़ा होकर के गरीब आदमी का मकान दिखाया, और ये सारा का सारा केजरीवाल को भेजूंगा। सारी दिल्ली में जो भी वो आप खोलोगे आपको नजर आओगा कि सुरेंद्र क्या कर रहा है, और डिमांड करी है खड़ा होकर के माइक में। ये पत्रकार भाई है हमारे, इनके सामने भी डिमांड कर रहा हूँ कि इलेक्शन आएगा तो तुम यहाँ वोट मांगने आओगे। मगर आज हम अब जितने भाई यहाँ घूम रहे हैं, हमारी एक रिक्वेस्ट है सरकार से, सबसे पहले तो इस पानी निकालने का इंतजाम करो, हमारे और पानी खड़ा, रात दिन नींद नहीं आती हमें। सबसे पहले इस पानी का इंतजाम करो, ये आपका लगा रखी आप लोगों ने, ये आपका काम है, ये छोटी मोटी मोटरों से पानी निकलने वाला नहीं है। ये आप इसको दिन रात लगाओ, महीने तक लगाओ, जब भी नहीं निकलेगा। हो गए, ये सरकार के, मैं सरकार में पार्लियामेंट सेक्रेटरी रहा हूँ, संसदीय सचिव मंत्री के बराबर होता है। मुझे ये पता है कि सरकार अगर चाहे तो एक हफ्ते में यहाँ एक बूंद पानी नहीं छोड़ता। जब सरकार चाहे इतने बड़े बड़े पंप होते हैं जो ड्रेन में लगाए जाते हैं, वो पंप लगा करके यहाँ एक डिसाइड कर ले कि ये पानी हमने नाले में छोड़ना पड़ेगा। है 5 बजे हम घर आए, नाला ये वाला नाला सारा साफ करवा, 5 बजे घर में घुसे हम लोग। कहाँ नाला जाएगा? सुनो, मैं एक बात कह रहा हूँ, आप ये जितना बोल रहे तकलीफ में बोल रहे हो, आपको दिक्कत है बहुत ज्यादा, ये इतनी भारी दिक्कत है। अगर एक दिन पानी भर जाए तो उस आदमी को नींद नहीं आती, और ये तुम्हारा परमानेंट हो गया। और अभी तो क्या है, नेट खोल के देखो, आज नेट खोल के देखो, एक हफ्ते का बता दें बारिश लगातार बारिश है 90-90%। पहले ही तक तो पानी खड़ा, बताओ क्या होगा? 90-90% बारिश इस साल तो हो गया, जो हो गया अगले साल की तैयारी करो। अगले साल एक बात कहने आए, सुनो, हम तो सरकार में नहीं है, मलवा डलवाने का रास्ता तो बने तभी बदलेगा। पानी निकल लेगा तभी तो यहाँ घाटी आएगी। रास्ता मिल गया तो पानी निकल आएंगे। एक बात होता है, हम पकौड़े खाने आ रहे हैं, हम तो सिर्फ ये देखने आ रहे हैं। अब मेरी बात सुनो, हमारा गला फट जाएगा बोलते बोलते। सुनो, हम सिर्फ ये देखने आ रहे हैं
कि ये पानी निकले तो कहाँ से निकला, वो रास्ता समझे, उस रास्ते को ढूंढ रहे हैं जहाँ भी हमारे को नजर आ गया। अभी हमने एक रास्ता सुना है बहन जी, अभी हमने एक रास्ता ढूंढा था, मैं इनको लेकर गया कि ये जो मेन रोड है इस पर दोनों तरफ नाले हैं। मैंने इनको ये कहा भाई हम 10-15 कर्मचारी भेजते हैं, ये दोनों नाले साफ कराओ और आगे हम मोटर लगा करके इसको गाड़ी के मंदिर की तरफ छोड़ देना पानी। ये हमने बोला है रामकला जी, ये आए भाई, ये कहने लगे जी भाव इसका इस तरफ है, अगर आप वहाँ मोटर लगा दोगे तो पानी नहीं निकलेगा। फिर हम वहाँ से उल्टे आ गए, फिर इस मेन रोड में देखे, अब इसको हम देख रहे हैं कंझावला रोड से, अगर कंझावला रोड पर दोनों तरफ नाले हैं, अगर कोई ऐसा नाला मिल गया हमें, मान लीजिए इस साइड का नाला मिल गया साफ, अगर हम उसमें पानी डालते हैं तो ये आपका जो बडरो है ना ड्रेन है इसमें पानी चला जाएगा। तो हम इसका सर्वे कर रहे हैं, 2 दिन में देखते हैं, अगर हमें मिल गया तो हम अपनी मोटर लगा देंगे। बाढ़ में गई सरकार, हमने अब तुम्हारी तुम्हें नहीं पता, सुनो मैं स्कूल के पास से, अरे मेरी बहन सुन, मैं बताऊं जो तू कहना चाह रही, मेरी सुन, यहाँ का पानी कहीं नहीं निकलेगा, बोलने देना बहन, यहाँ का पानी नहीं निकल रहा कहीं भी, यहाँ क्या हो रहा है, तुमने मोटर का पानी कर दिया आगे, अगले ने आगे कर दिया, वो घूम फिर वो सारा यही घूम रहा है, किसने कह दिया ना पड़ने वाले बात ही नहीं है, जाएगा पानी इसका, इसका सामान ये बैठे गाँव वाले ये कह रहे डालो, अभी अगर आप सीवर में पाइप मैडम वही सीवर का ही देख रहे हैं, जब जाके बहुत सारे पड़े हुए हैं, निकल सकता है पानी, देखो सुनो उसकी भी बात कर रहे हैं, उसकी भी कर रहे हैं, हम ये पानी निकालने का सोर्स ही ढूंढने के लिए आए हैं, जो हम पैदल आए थे इधर देखा हमने, आप तो जैसे आप कर रहे हो गाँव में पानी नहीं है, ये तो गाँव में पानी नहीं है, ये बताओ गाँव में पानी है, जो सेकंड ब्रांच है ना वहाँ पर पानी है, हमारा पानी बंद इसलिए किया था, हमने तो अपना पार्सल चुन लिया, नाली क्लोज कर रखी वहाँ से, मगर ढलान ऐसा बनाया जो कि हम लोग भिखारी जाएंगे।
हम यही देख रहे हैं कि ये जो पानी अभी हम बता रहे हैं थोड़ा पीछे आओ, थोड़ा सा पीछे आओ, हेलो थोड़ा पीछे इतनी समस्या से हंगामा मच गया। अरे हम लोग डाले ना बढ़िया, हम लोग डाल लगे आप जो बोल रही है वो ठीक बोल रही है, ये बहन जी भी बोल रही है ये भी ठीक बोल रहे हैं। प्रॉब्लम वही है कि अगर गांव के में खुले तो पानी जाएगा, मगर 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 वहाँ दो ही आदमी खुलवा सकते हैं, या तो निगम पार्षद खुलवा सकता है या विधायक खुलवा सकता है, हम और आप जैसे नहीं खुलवा सकते। भैया कैसे वहाँ निगम पार्षद और विधायक की पावर है, वो उनसे देखो उनसे नहीं खोलने देंगे ना, तो वो निगम पार्षद हमारा पानी रोक क्या हमारा स्कूल के सामने पानी आ रहा है। मैं उपाय वही है, वही बंदे को तोड़ा था, मैं उपाय वही है। बहन जी महाराज ने बात बोला की बात सुनो, हम और आप जैसे ही है, निगम पार्षद और विधायक के सामने कौन नहीं रुकेगा, वो नाला खोलना पड़ेगा, लेकिन वो बोल नहीं रहे निगम पार्षद नाला खोल नहीं रहे। हम कोई सत्ता में नहीं, हमारे हाथ में कोई पावर नहीं है, थोड़ा सा इधर हम गांव से लट भी नहीं बजा सकते। कॉलोनी का आप है, कॉलोनी का मैं भी हूँ। अरे गांव वाले आप नहीं साथ में, एक आदमी एक हो चुके नहीं। रामकला जी आए तो थे, रामकला जी की कॉलोनी है, और क्या और कॉलोनी की बात हो रही है, रामकला जी की कॉलोनी है, रामकला जी सुनो मेरी बात सुनो, रामकला है नहीं चला, रामकला जी देखो क्या कर रहा, पहले उनके जमाने में तो कांग्रेस थी, जो बोला फिर से बोलो, जो फिर से बोलो। हाँ बस मैं कह रही हूँ रामकला जी की थी कॉलोनी, उनकी बसाई हुई है ना, उन्होंने क्या करा, उनके जमाने में कांग्रेस थी ना, विधायक सुरेंद्र कुमार जी थे, उन्होंने क्या करा, ये पहले सीमेंट वाला रोड बनो दे, जगह जगह डामर रोड करवा दिया, उसके बाद कह रहे थे हमने तो रोड बनवा दिया, अगर उनके जमाने में यही रोड बनी होती तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। बीजेपी आई, बीजेपी ने बोला, ये जगमोहन मास्टर जी ने ये बोला कि हम लोग कहते एक आदमी हमारे यहाँ खत्म हो गया था, मतलब 15 साल पहले की बात है, हम लोग गए यहाँ पे 10-12 औरतें मिल गए, उनको ये बोला कि मास्टर जी कॉलोनी मलबा डलवा दो, बोले जी कच्ची कॉलोनी को कोई पैसा पास नहीं होता, अगर कच्ची कॉलोनी को पैसा पास हो तो कोई नेता भी नहीं होना चाहिए यहाँ का। और ये धर्मेंद्र जो आके बना बैठा हुआ है, उसकी बीवी रीना आज तक किसी ने शक्ल नहीं देखी है उसकी, उसके दरवाजे पे जाओ वो क्या कहते हैं जी यहाँ पे हमारे बस की तो कुछ नहीं है, तुम्हें जो करना कर लो। अरे हम पागल गली वाले 2-2 हजार रूपए मिल के मलवा डलवा रहे अपने आप से, अपने पास क्या करा उसने, आज तक मकान क्यों लिया आपने, कच्ची कॉलोनी में मकान मिला, यहाँ का कच्ची कॉलोनी और कोई नेता नहीं तो कोई पक्की कॉलोनी थी, उसकी क्या पक्की कॉलोनी थी, कितने जा रहे हो, तो पक्की बना ली उसने, वोट मांगने के वाला भीख मांगने के लिए आ जाता है वोट मांगने, कोई भी नेता हो उसकी क्या पक्की कॉलोनी थी, क्या पहले रकमा पैसा हुआ है, पहले वो कच्ची कॉलोनी थी, वो भी अपने अपने रहने लगे तो उसकी पक्की बना लिया उसने, जो भी पहले तो कच्ची थी उसकी भी कॉलोनी, सारे कच्ची कॉलोनी को कोई पैसा पास नहीं होता, कच्ची कॉलोनी का भी यहाँ नेता भी नहीं होने, भिखारियों का वोट मांगने क्यों आ जाते हैं यहाँ पर, उनका वोट मांगने को यहाँ हक नहीं है, और कोई भी हम नेता हमारे यहाँ पर आ जाए वोट में तो जूतों से मारेंगे हम तो उनको।
और कोई ऐसा नहीं हकीकत अगर कोई भी बंदा आ जाए यहाँ पे हम उसे मार के और भगा देंगे, कोई जरूरत नहीं है आने की। जब हम लोग अपने आप ही सब कुछ कर लेंगे तो उनकी क्या आवश्यकता है, कोई जरूरत नहीं होगी यहाँ पर। हम कर लेंगे अपने आप, जो हम अपने को जो करना होगा हम अपने आप कर लेंगे। पानी 10 महीने हो गया पीने का, पानी 11 महीने नहीं आ रहा। वहाँ गए हाजी एक हफ्ते में करवा देंगे, 10 दिन में करवा देंगे, 15 दिन में, अगले महीने में पूरा 1 साल हो जाएगा। 1 साल के तक कोई पानी नहीं आ रहा। कोई भी है जाओ कुछ कहते नहीं, हमारे बस की कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते। अरे कुछ नहीं कर सकते तो फिर नेता क्यों बने? नेता भी बनने को कोई अधिकार नहीं, उतर जाओ सीट पर से। हम अपनी जनता अपने आप चला लेंगे अपना काम। क्यों जरूरत है तुम्हारी यहाँ आने की? ऐसे लोगों को कोई आवश्यकता नहीं है। और सब लोग कहते केजरीवाल बुरा, क्यों केजरीवाल बुरा? कुत्तों की वजह से, जैसे विधायकों की वजह से वो बदनाम इस तरीके से। ऐसे धर्मेंद्र जैसे नेता जाओगे वहाँ पर होगा ये सब कुछ ऐसे ही। हम तो सब जगह चलो, हम तो जहाँ चलो हम तो वहाँ बोलने के लिए तैयार है। मेरा टीका था भैया, उधर है। चले चले।